हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर दुपट्टा बनाना सिखा रही हूँ। दुपट्टा क्योंकि 2.5 मीटर्स होता है और क्योंकि हमने इस पे फ्लावर्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें 1.5 मीटर्स का एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। अगर 1.5 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें, ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। दुपट्टा बनाना सिखा रही हूँ मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत, किसी भी ड्रेस के साथ आप मैच कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा का कपड़ा ले लीजिए, 2.5 मीटर का दुपट्टा ले लीजिए, साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए इसको डिज़ाइनर क्लॉथ बनाने के लिए, और साथ में आपको कुछ रिबन चाहिए होगा 8 मीटर्स का, किसी भी कलर का आप ले सकते हैं। अब मैंने इसमें ब्लॉक्स बना लिए हैं 6, ठीक है, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ 2 फ्लावर्स। 2 फ्लावर्स के लिए हम 6 पेटल्स बनाएंगे। ये वो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि 1.5 मीटर मैंने लिया हुआ था 1.5 मीटर्स फ्लावर्स बनाने के लिए, ठीक है। इसमें से मुझे कुछ स्ट्रिप्स चाहिए होंगी और कुछ पेटल्स के लिए कपड़ा चाहिए होगा। अब मैंने 6 सर्कल्स जो है वो काट लिए और साथ में मुझे लॉन्ग स्ट्रिप्स चाहिए। जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको कपड़ा चाहिए होगा। मैंने काफ़ी बड़े फ्लावर्स बनाए हैं तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर्स का एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया। दुपट्टा साइड पे पड़ा हुआ है जो कि 2.5 मीटर्स का है। अब आप अच्छा सा सर्कल काट लें। सर्कल को अगर आप पहले से पॉइंट आउट कर लेंगे, मार्क लगा देंगे, तो वो बहुत अच्छी कटिंग होगी उसकी, ठीक है। ये तैयार हो चुका है। अब ये हमें एक लॉन्ग स्ट्रिप चाहिए। अगर मैं इसकी विड्थ करूँ तो मैंने तकरीबन 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ ली है, और जितना बड़ा आप मिडल बनाना चाहते हैं, सेंटर बनाना चाहते हैं फ्लावर का, उतना बड़ा आपने स्ट्रिप लेना है। और लेंथ तकरीबन थी उसकी 20 से 25 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। अब आपने इस तरह इसको, ये हर सर्कल को इस तरह फिल कर लेना है। एक सर्कल के लिए मुझे, एक फ्लावर के लिए मुझे 3 जो है वो सर्कल्स चाहिए, जिसके हम 6 पेटल्स बनाएंगे। और से देख लीजिए कि अब हमने इसको फिल कैसे करना है, स्टिच कैसे करना है। इसी तरह आपने दूसरे को भी स्टिच कर लेना है। साथ ही आप 6 को स्टिच करके आपस में अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ आ जाए। बहुत खूबसूरत, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में ये चल रहा है दुपट्टा, और हम आपको घर में बैठे बैठे बता रहे हैं कि आप घर में बैठे बैठे किस तरह एक डिज़ाइनर दुपट्टा बना सकते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है आजकल। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तकरीबन 3 हो गए हैं। इसी तरह आपने 4th, 5th और 6th भी जो है वो आपस में अटैच कर लेना। फ्रेंड्स, मैंने ये 6 जो है पेटल्स आपस में जोड़ लिए हैं। अब जो मैंने लॉन्ग स्ट्रिप ली हुई थी सेंटर के लिए, वो हम यूज़ करेंगे।
ऑप्शनल हैं, आप लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगा लें, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह हमारा फ्लावर तैयार हो चुका है। इसी तरह मैंने दो फ्लावर्स तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसको दुपट्टे पे किस तरह स्टिच कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें दुपट्टे को जो है वो मैंने साइड्स उसकी जो है वो करनी है। आप चाहे तो पीको कर लें, चाहे तो आप कोई और लेस लगा लें, टसल्स लगा लें। तो सबसे पहले ये है कि इससे बहुत ही फाइन लुक आ जाएगी। ये रिबन मैंने लिया है 8 मीटर्स, इस तरह मैंने रख के और इसको मैंने इसके साथ सारा 4 साइडेड जो है वो अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा 4 साइड्स पे रिबन जो है वो अटैच हो चुका है। अब जो दो फ्लावर्स मैंने बनाए हैं उनको हमने अटैच करना है। अब आप देख लीजिए कि दुपट्टे के जो बिल्कुल बाउंड्रीज होती हैं उधर हम अटैच करेंगे। ठीक है, एक इधर करेंगे और दूसरा जो है वो इसकी ऑपोजिट साइड पे, जो दुपट्टा है दूसरी जो बाउंड्री है उसकी दूसरी साइड पे करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लेफ्ट पे है तो वहाँ पे राइट पे करेंगे। और आपने इसको किस तरह अटैच करना है कि ये उतरे नहीं, आपने तकरीबन 2 से 3 जो इसकी पेटल्स हैं उनको आप अटैच कर लीजिएगा और मिडल से आपको अटैच करना होगा। हम आपको दोनों तरीके सिखाएंगे कि आप इसको किस तरह अटैच कर सकते हैं। अटैच के लिए देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा तैयार है। ये आपके सिंपल प्लेन सूट पे भी चल सकता है, फैंसी ड्रेस पे भी चल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो घर बैठे बैठे स्टिचिंग सीखें, डिज़ाइनिंग सीखें, ओनली ऑन राबिया अहमद चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।